आत्मनिर्भर देश बनने की राह में भारत ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है। भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ताकतवर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल अब स्वदेशी ईंधन से उड़ेगी। कानपुर में इस वक्त मौजूद DMSRDE ने ब्रह्मोस मिसाइल के रामजेट इंजन के लिए ईंधन तैयार किया। वैज्ञानिकों की टीम को इस ईंधन को बनाने में 1 साल का वक्त लगा। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल दागने के लिए भारत को रूस से मिलने वाले ईंधन पर निर्भर रहना पड़ता था। भारत में बने इस खास ईंधन से ब्रह्मोस मिसाइल की लागत में भी कमी आएगी। इस ईंधन की खासियत यह है कि ये -50 से -55 डिग्री के तापमान में भी नहीं जमता है। हाल ही में इस ईंधन का सफल परीक्षण भी किया गया। इस ईंधन के बनने से आने वाले समय में ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण भारत में बढ़ जाएगा। Z News.